अब आप मुझे बताओ कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया, कौन था ये, कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था, वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने, मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड कंपनी। इसको चालू किसने किया, क्या करता था वो, कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था, ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई, कहां है वो? फोर्ड कंपनी का नाम सुना है, मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है, होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन तीन कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया इनको, कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक, फोर्ड मैकेनिक था, होंडा मैकेनिक था। आप मुझे हिंदुस्तान की वो ऑटोमोबाइल कंपनी दिखा दो जिसको मैकेनिक ने शुरू की हो, बताओ कहां है वो? ये नहीं है कि हमारे लोगों में समझ नहीं, ये नहीं है कि हमारे ढाबे वालों में शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के मैकेनिक्स में वही क्षमता नहीं है जो फोर्ड में थी या मर्सिडीज में थी, नहीं, ये नहीं है। ये है कि अगर फोर्ड के लिए बैंक के दरवाजे खुले हैं, अगर मर्सिडीज के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर मैकडॉनल्ड्स चलाने शुरू करने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं, तो हमारे ढाबे चलाने वालों लोगों के लिए, हमारे मैकेनिक्स के लिए, हमारे बढ़ईयों के लिए, हमारे धोबियों के लिए बैंक के रोजगार, बैंक के और राजनीति के दरवाजे बंद हैं। मतलब जो ढाबा चलाता है, जो मैकेनिक का काम करता है, जो मटके बनाता है, जिसको हम कारीगर कहते हैं, उसको ये देश कुछ नहीं देता है, इतना भी नहीं देता है। और फिर देश कहता है कि भैया देश में रोजगार नहीं है। मोदी जी कहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुस्तान में स्किल्स की कमी है, जानकारी की कमी है, हमें युवाओं को जानकारी और स्किल्स देनी है। ये सरासर झूठ है।